दिल्ली में भाजपा बन रही है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर में हुए चुनाव में भारी मतों से हुई जीत जश्न। बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड में इकट्ठा हुए हजारों कार्यकर्ता और शुरू की गई महाबाइक रैली। इस रैली का नेतृत्व भाजपा के बड़े नेता व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया। चार राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारी मतों से भाजपा ने जीत हासिल की और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुनः बने हैं, जिनकी खुशी में आज विजय उत्सव के रूप में दिल्ली के बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड में एक महाबाइक रैली का शुरुआत की गई। यह बाइक रैली पूरी दिल्ली में रिंग रोड पर घूमेगी और अक्षरधाम मंदिर पर इस बाइक रैली का समापन होगा। इस बाइक रैली का नेतृत्व करने के लिए भाजपा से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी व भाजपा के कई बड़े नेता बुराड़ी हैं। इस निरंकारी ग्राउंड में पहुंचे और खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस बाइक रैली में आए हजारों कार्यकर्ता का नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं निरंकारी ग्राउंड के अंदर हजारों की तादाद में बाइक खड़ी है, जिन पर भगवा झंडे और भाजपा पार्टी का पटखाई लगा हुई है। यहां कार्यकर्ता आज सुबह 6 से बीजेपी कार्यकर्ता आने शुरू हो गए। इस निरंकारी ग्राउंड में करीब हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और भाजपा पार्टी के बड़े नेता यहां पर इनका नेतृत्व करने के लिए पहुंचे, जिसमें भाजपा पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे और तमाम निगम पार्षद मौजूद थे। मंच से जीत का जश्न का आकाश करते हुए भाजपा के बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की है, वहीं कहीं ना कहीं अब निगम चुनाव में भी भाजपा जीत हासिल करेगी। मोर्चा आज पूरी दिल्ली में विजय उत्सव मनाएगा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के बाद अब ये परचम दिल्ली में लहराने वाला है। पूर्वांचल पूरा एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की बारी है। ये जुनून है विजय का, विजय से विजय तक पाप का घड़ा आपका भर चुका है और दिल्ली अब उसको जवाब देगी। दिल्ली में तो चुनाव टले हैं, आप कह रही हैं कि बीजेपी टल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हमने यूनिफिकेशन की बात की है, इतने में अरविंद केजरीवाल डर गए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर व उत्तराखंड में भाजपा अपना परचम लहरा दी है। वह इतनी बड़ी महारैली का आयोजन विजय दिवस के रूप में किया गया। अब दिल्ली में निगम चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में भाजपा की महीने में दूसरी बार बाइक रैली होना निगम चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी चुनाव को लेट लतीफ करवा कर नगर निगम में जो छवि भाजपा निगम पार्षदों की खराब हुई है उसे सुधारने की कोशिश भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।